नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सायमा। उत्तर प्रदेश के गोंडा से घोटाले का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना में हुए फर्जीवाड़े की जांच रिटायर्ड चीफ इंजीनियर तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि योजना में 100 मजदूरों में 36 मजदूरों को फर्जी दिखाकर इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्यारहवीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना में हुए फर्जीवाड़े में UPPCL के रिटायर मुख्य अभियंता SP करगेती और उनके बेटे प्रतीक करगेती सहित ठेकेदार ओमवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल गोंडा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना में हुए फर्जीवाड़े की जाँच रिटायर्ड चीफ इंजीनियर तक पहुँच गयी है। सीनियर निर्देशक समाज कल्याण की ओर से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और उनके बेटे और ठेकेदार के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बता दें कि योजना में 100 मजदूरों में 36 मजदूरों को फर्जी दिखाकर घोटाले करने का आरोप है। दरअसल साल 2011 में गोंडा के 696 मजदूरों को 11वीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के तहत बिजली दौराने को लेकर UPSIDCO द्वारा नोएडा की फॉर्म में सर ओमवीर सिंह कंपनी को काम दिया गया था। इसको लेकर गाजियाबाद की रहने वाली मेघना चौधरी द्वारा विद्युतीकरण योजना में फर्जीवाड़ा, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाने और चीफ इंजीनियर के बेटे को मर्सिडीज कार दिए जाने का आरोप लगाया गया। मेघना चौधरी ने इसकी शिकायत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से भी की। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के आदेश पर तत्कालीन गोंडा जिला अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को जांच कमेटी गठित करने के बाद जांच कराने के आदेश दिए थे। वहीं सीनियर निर्देशक समाज कल्याण डेबी पाटन गोंडा KL गुप्ता के मार्गदर्शन में टीम ने जांच की तो पता चला कि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। इसमें पाया गया कि जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाया गया था उसे नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया गया था। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर करोड़ों रुपए का टेंडर UPSIDCO द्वारा ले लिया गया। वहीं जिले के 696 मजदूरों में से 11 मजदूरों में विद्युतीकरण पूरा कराने की बात कही। इसमें पाया गया कि 100 में से 36 प्रमाण पत्र भी फर्जी पाए गए। जांच टीम ने खुलासा किया कि 2019 मॉडल की एक मर्सिडीज कार मेजर ओमवीर सिंह के मालिक और ठेकेदार ओमवीर सिंह द्वारा उत्तर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटायर मुख्य अभियंता गोंडा SP करगेती के बेटे प्रतीक करगेती को गिफ्ट दे दी गई थी। CO नगर विनय कुमार सिंह ने ये बताया है कि जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 100 मजदूरों में बिजली दौड़ाने का काम हुआ था, इसमें फर्जीवाड़ा पाया गया है। इसको लेकर उपनिदेशक समाज कल्याण देवी पाटन मंडल KL गुप्ता की तरफ से FIR भी दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि इस मामले की जाँच क्राइम इंस्पेक्टर अरविंद यादव को दी गई है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।